हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो हियर वी विल स्टडी अबाउट बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम। सो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 14.3। सो इन दिस एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 1। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव अ सर्वे कंडक्टेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वेमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड इन द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। सो हेयर वी हैव गिवन कॉजेज एंड हेयर फीमेल फर्टिलिटी रेट। सो इन फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, सेकेंड न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 एंड अदर कॉजेज 22.0। सो इन फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। देन इन सेकेंड वी हैव टू टेल विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सो हेयर एंड थर्ड वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉजिंग इन सेकेंड अबव बींग द मेजर कॉज। सो हेयर वी हैव टू ड्रॉ वन बार ग्राफ। इन दिस बार ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस वी टेक द कंडीशंस दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड अदर कॉजेज। एंड ऑन वाई एक्सिस वी कैन टेक फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट। सो दिस ग्राफ यू हैव टू मेक ऑन अ ग्राफ पेपर। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस दीज बार्स अकॉर्डिंग टू विच वी कैन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ इन सेकेंड केस वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वेमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इन थर्ड टू फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉज इन सेकेंड आर लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। सो दीज कंडीशंस आर ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव दिस कंडीशन बाई ओपनिंग मोर एंड मोर हॉस्पिटल। सो दीज थिंग्स वी कैन राइट हेयर। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। सो इन दिस सेक्शन इज गिवन एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सो इन शेड्यूल कास्ट 940, शेड्यूल ट्राइब 970, नॉन एससी एसटी 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930 एंड अर्बन 910। सो दिस कंडीशन वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन अ बार ग्राफ। एंड इन सेकेंड इन द क्लास रूम डिस्कस वॉट कंडीशंस कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। सो इन दिस वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। ऑन एक्स एक्सिस वी कैन टेक दिस एस सी एस टी, नॉन एस सी एस टी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल अर्बन। एंड ऑन एक्सिस वी कैन टेक दिस नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ पेपर। नाउ इन सेकेंड फ्रॉम द अबव ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इज प्रेजेंट इन द सेक्शन एस टी। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल एरिया हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दैन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन एरिया। Now after this see next question. So here we have given in question number 3 given below are the seat won by different political party in the polling outcome of state assembly election. So here political party A, B, C, D, E, F and F and seat won 75, 55, 37, 29, 10 and 37. So in first case we have to draw a bar graph to represent the polling result. And in second case which political party won the maximum number of seat. Now in solution, so name of political party that is A, B, C, D, E, F we can represent on x-axis and seat won that is
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, up to 80. This we can represent on y-axis. So in this way we can draw this graph, bar graph. And in second case we have to tell, now from this bar graph it is clear that party A won maximum number of seat, the highest number of seat in AR 75, and it is the longest bar. So in this way we can represent this bar graph. And in second case, which political party won the maximum number of seats? So which political party won the maximum number of seat? That is party A won the maximum number of seat. Now after this, see next question. Now in question number 4 and 5 we have to draw histogram. So in question number 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. So here we have given serial number, length in mm, and number of leaves. So 180 to 126 3, 127 to 135 are 5, 136 to 144 are 9, 145 to 153 are 12, 154 to 162 are 5, 163 to 175 are 4, and 172 to 180 are 2. So in this, first of all we have to draw a histogram. So for representing it, in length we can do a change here. In lower limit we can subtract minus 0.5, and on upper limit we will add 0.5. so this new table will become 117.5 to 126.5, and 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, and 171.5 to 180.5. In this way, we can make it a proper distribution so that there should be an equal gap in all these ranges. So here in solution we have to draw a histogram. So for making a histogram, this will be like this. So on x-axis we can take these length, that is 117.5 up to 180, and on y-axis we have to take these number of leaves, that is 3, 5, 9, 12, 5, 4, and 2. So here we can take a gap 0, 1, 2, 3 up to 12, and in this way we can draw a histogram. Now in second part it was asking that here in second part we have to tell that is there any other suitable graphical representation for this data. So second we can say yes, the data given in question can also represent by a frequency polygon. We can also represent it by a frequency polygon. And no, we cannot conclude the maximum number of leaves are 153 mm long, because the maximum number of leaves are lying in between 144.5 to 153.5. Now after this, see question number 5. So in question number 5 we have the following table. Give the lifetime of 400 neon lamp. So your lifetime is 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000. Number of lamp are 14, 56, 60, 86, 74, 62, and 48. So in first case, represent the given information with the help of a histogram. And in second, how many lamp have a lifetime of more than 700 hours? So in solution, the histogram represent on the given data is given below. So this is the histogram. Here we have to take that on x-axis lifetime, that is 300, 400 up to 1000, and on y-axis we have to represent number of neon lamp. So in this way we can represent this histogram. Now in second case we have to tell that how many lamp have the lifetime of more than 700 hours. So more than 700 hours, we will add all these from 74, 62, and 48. So by adding, it will be equals to 184. So in this way we can do this question. So you have to do these 5 questions in this exercise.
एंड ऑन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन मीडियन एंड मोड. सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज एक्सरसाइज. सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.